हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिता है। प्रमिता किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं और एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं जो रेसिपी ले रही हूँ, ब्रेड और आलू में रोल बनाऊंगी। ब्रेड आलू का रोल तो हर कोई बनाते हैं, आज मैं बनाऊंगी बहुत ईजी, बहुत सिंपल स्टाइल में बनाऊंगी ब्रेड और आलू का रोल। ये बनाना भी बहुत ईजी है, हर कोई पसंद करेगा। बहुत कम टाइम पर ये बन जाती है, खाने में भी सेम ब्रेड रोल का टेस्ट जैसे है वैसे ही लगेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आएगी। आप पहली बार मेरे चैनल को देख रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा और रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं ब्रेड आलू का रोल कैसे बनाते हैं। पोटैटो ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें पोटैटो चाहिए। मैंने 5 पोटैटो को बॉईल करके लिया हूं। पहले पोटैटो को मास कर देंगे। ये जो पोटैटो और ब्रेड रोल ये बहुत इजीली बन जाएगी। बनाना भी बहुत कुछ सामग्री भी नहीं चाहिए, बहुत इजीली बन जाती है। जो आलू है, आलू को आप पीस पीस करके बॉईल नहीं करना। पीस पीस करने से आलू में पानी रह जाएगा, इसीलिए आलू को ऐसे ही बॉईल करना है तो अंदर पानी नहीं जाएगी। ये जो रोल है बहुत अच्छे से बनेगी। आलू हमारा मास हो गया है। मैं सिर्फ आलू में नहीं बना रही हूँ, आप चाहे तो सिर्फ आलू में ही बना सकते हैं। खाली आलू में मैं थोड़ी सी 1 कप पत्ता गोभी, 1/2 कप गाजर, गाजर को ग्रेटेड करके लिया हूँ, और 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची लिया हूँ। आप चाहे तो वेजिटेबल को भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आलू को आलू में बना सकते हैं। सारा सब्जी को पहले धो देना, उसके बाद ही काटना है। 1/2 स्पून हल्दी का पाउडर, हल्दी का पाउडर अब मैं कलर के लिए डालती हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। एक स्पून चिल्ली पाउडर, चिल्ली आप आपके हिसाब से ही डालना है। स्वाद अनुसार नमक, आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, फूलगोभी भी डाल सकते हैं। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 स्पून चाट मसाला, 2 से 3 स्पून ब्रेड क्रम्ब देना है। मैंने बोली थी ब्रेड और आलू का रोल बनाऊंगी, इसीलिए ब्रेड को मैंने क्रम्ब बना दिया। 4 से 5 स्पून देना है ब्रेड क्रम्ब। सारा सामग्री को हम एक डो बनाएंगे, सख्त डो बनाना है जिससे हम रोल बना पाएंगे। हाथ में स्क्वीज करके मिक्स करना है। पहले पानी नहीं डालना है। मैंने जो मिश्रण को रेडी किया है इसी तरह टाइट मिश्रण बनाना है, इसमें 1 बूंद पानी भी नहीं लगी। बिना पानी में ये जो मिश्रण है बन गया है। अभी हम ऑयल का हाथ ग्रीस करके रोल बनाएंगे। इसी तरह टाइट मिश्रण ही बनाना है, पतला हो जाएगा तो ये रोल नहीं बनेंगे। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा देना है, ऑयल नहीं तो आप पानी में भी लगा सकते हैं, पानी लगा कर भी रोल बना सकते हैं। आपको जो साइज रोल चाहिए उसी साइज रोल बनाना है। आप एक बात के ध्यान रखना है, जब भी आप बनाएंगे तभी नमक डालना है, नमक डालकर मिश्रण को रखना नहीं है, हाथ में इसे रोल करना है।
इसी तरह रोल बनाना है। सारा रोल को हम बना देंगे इसी तरह। मेरा सारा रोल रेडी हो गया है। अभी ये रोल को हम ब्रेड में कोट करेंगे। इसमें पूरा ब्रेड नहीं चाहिए, ब्रेड क्रम में ही ब्रेड आलू का रोल बनाएंगे। अभी इसमें साइड कर देंगे और एक प्लेट लेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम लेना है, डबल कोट करेंगे, थोड़ा सा नमक और एक स्पून ग्राम फ्लोर को मिलाना है। आप चाहे तो मैदा भी मिला सकते हैं, मैदा नहीं तो कॉर्नफ्लोर भी आप मिला सकते हैं। मैंने ग्राम फ्लोर को मिक्स किया हूँ। ये सेम ब्रेड आलू जो रोल बनाते हैं आप, उसी टेस्ट आएगा। अच्छे से कोट करना है। डबल कोट करेंगे, ये बहुत कम टाइम पे भी बन जाएगी, इजीली बन जाएगी। इसी तरह कोट करना है। डबल कोट करने के लिए हम मैदा का घोल बनाएंगे। पहला कोट जो है पहले हम डायरेक्ट दे देंगे, दोबारा जो कोट करेंगे डबल कोट, उसमें मैदा का घोल बनाकर उसमें डुबाकर हम डबल कोट करेंगे। 4 से 5 स्पून मैदा, थोड़ा सा पानी देकर घोल बनाएंगे। इसी तरह पतला सा के घोल बनाएंगे। अभी हम सारा रोल को पहले इसमें डुबाएंगे, मैदा घोल में डुबाएंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम में डुबाएंगे, डबल कोट करेंगे। ये अच्छे से कोट हो जाएगा इसी तरह। मैदे में डुबाकर करने से इसका जो कोट है वो छोड़ेगा नहीं, डबल कोट छोड़ेगा नहीं, जो एक्सेस ब्रेड क्रम है उसको निकाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, अभी एक एक करके डीप फ्राई कर देंगे। ऊपर में थोड़ा तेल ऐसे डालना है, धीरे से पलटना है नहीं तो ये टूट जाएगा।
ब्रेड क्रम घर में है तो आप ब्रेड आलू का रोल बनाकर कोई भी गेस्ट आएगा तो आप खाने में तुरंत बनाकर दे सकते हैं। आलू को बॉयल करके खाली आलू में भी आप बना सकते हैं, वेजिटेबल्स नहीं डालना है तो। रेडी हो गया है आलू और ब्रेड का रोल। आलू और ब्रेड का रोल जो है बनाना बहुत ईजी है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत कम टाइम पे कम सामग्री में ये बन जाते हैं। इसका टेस्ट कैसे जानना है आपको घर में एक बार बनाइए। इसका टेस्ट कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मेरा और रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगी मेरा और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।